हेलो गाइस, वेलकम है फिर से एक न्यू वीडियो में। और रॉन्ग टर्न सीरीज में आप देखने वाले हैं पार्ट वन को, जिसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्ग टर्न, जो कि 2003 में रिलीज हुआ। मूवी वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हम रिच और हेली नामी कपल को रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। रिच जैसे ही टॉप पर पहुंचता है, उसे अपने सामने एक नदी दिखाई देती है। अपनी जीत की खुशी में वह हेली को भी ऊपर आने को कहता है। ऊपर आने की कोशिश में हेली का पंप फिसल जाता है, जिसे वह हवा में लहराने लगती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अब हेले रिच को मदद के लिए पुकारती है। तब रिच की तरफ से कोई जवाब न आने पर हेले बहुत परेशान हो जाती है। तभी हेले के चेहरे पर खून के ड्रॉप्स गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो और घबरा जाती है। तभी वो रिच का हाथ देखती है कि इतनी देर में कोई रिच को नीचे फेंक देता है और हेले को कोई तेजी से ऊपर की तरफ खींचने लगता है। यह देखकर हेले अपनी छुरी से रस्सी काट लेती है और खुद को संभालने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो नीचे गिर जाती है। नीचे रिच की डेड बॉडी पड़ी होती है। एले उसे देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसे ऊपर पहाड़ों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है ताकि अपनी गाड़ी तक पहुंच जाए। तभी एले का पांव एक नुकीली वायर में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद कोई एले को खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब हमारी नज़र इस इलाके में होने वाली वारदातों पर जाती है, जहाँ न्यूज़ में एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी के लापता होने की खबर आती है। और गाइस, नेक्स्ट सीन में हम इस इलाके से गुजरती हुई एक गाड़ी को देखते हैं। गाड़ी में क्रिस होता है, जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे सिटी में जा रहा होता है। सफ़र के दौरान वो ट्रैफिक में फंस जाता है। ट्रैफिक जैम होने की वजह से वो लेट हो रहा होता है। गाड़ी से उतर कर वो अपने आगे खड़े ट्रक के ड्राइवर के पास जाता है और उसे ट्रैफिक जैम होने की वजह पूछता है। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील के फासले पर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। उन्होंने कई घंटे यहाँ वेट करना होगा। ये बात सुनकर क्रिस परेशान होकर वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और फिर सूरत हाल देखकर वो गाड़ी को वापस मोड़ता है और अपने लेट होने की इत्तला कंपनी को देता है। लेकिन सिग्नल ना आने की वजह से कॉल कट हो जाती है। कंपनी से कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से वो और परेशान हो जाता है कि इतनी देर में उसकी नज़र एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है। वो गाड़ी उस तरफ मोड़ लेता है। रास्ते में उसे बहुत सारी लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं। क्रिस अपनी गाड़ी से उतरकर वहां के फ़ोन से कंपनी में फ़ोन करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन ख़राब होने की वजह से उसका रब्ता नहीं होता। क्रिस गैस स्टेशन के मालिक से शहर जाने वाले दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन गैस स्टेशन का मालिक क्रिस को रास्ते के बारे में कुछ नहीं बताता। तभी क्रिस वहाँ पर लगे नक्शे को देखता है, जिसमें वो शहर जाने वाले कच्चे रास्ते को जान लेता है। अब क्रिस कच्चे रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। क्रिस ड्राइविंग करते हुए घने जंगलों से गुजरता है और फिर एक इंटरसेक्शन तक पहुंचता है, जहां उसे शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड नजर आता है। वो अपनी गाड़ी को शॉर्टकट रास्ते से ले जाता है। रास्ते में क्रिस की नज़र एक मरते हुए हिरन पर पड़ती है। उसे देखते देखते क्रिस की गाड़ी सामने खड़ी गाड़ी से बुरी तरह टकरा जाती है। क्रिस इस एक्सीडेंट में बच जाता है। गाड़ी के मालिक शोर सुनकर गाड़ी की तरफ आते हैं और क्रिस की हालत देखकर उसका हाल पूछते हैं। खुद को संभालते हुए क्रिस उनसे अपनी गलती की माफी मांगता है और नुकसान की रकम भरने की हामी भरता है और उनसे सड़क के दरमियान गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है। फ्रांसिन उसे बताती है कि सड़क पर किसी ने नकली वायर बिछा रखी थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। उनकी एक फ्रेंड जैसे ही पिछले गैस स्टेशन पर जाकर मदद के लिए कॉल करने का कहती है, लेकिन क्रिस ऐसा करने से उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं वहीं से आ रहा हूँ और फोन खराब है। गाड़ियाँ खराब होने की वजह से वो वहाँ से पैदल मदद लेने के लिए चल पड़ते हैं। एमन और फ्रांसिन गाड़ियों की देखभाल करने के लिए वहाँ ही रुक जाते हैं। रास्ते में उनकी नज़र एक नेवले पर पड़ती है। किसी ने दरमियान से उसे काट दिया होता है। क्रिस सब आगे बढ़ने का कहता है। तभी दूसरी तरफ फ्रांसिन और एमन, जो गाड़ियों की देखभाल कर रहे होते हैं, उन्हें करीबी झाड़ियों से हलचल सुनाई देती है। एमन उस जगह को देखने जाता है। फ्रांसिन उसे वहां ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसके पीछे उसे ढूंढने निकल जाती है। चलते चलते उसकी नज़र एमन के जूते पर पड़ती है। उसके बाद फ्रांसिन और भी घबरा जाती है। तभी फ्रांसिन की नज़र एमन के कटे हुए कान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो अपने होश खो बैठती है और रोने लगती है। इतनी देर में पीछे से एक आदमी आकर फ्रांसिन को जान से मार देता है। अब हम उन 4 लोगों को देखते हैं, जो चलते चलते एक घर के करीब पहुंचते हैं, जिसके पास बहुत सी लावारिस गाड़ियां खड़ी होती हैं। घर के दरवाजे पर किस मदद मांगने के लिए दरवाजा नॉक करता है, लेकिन घर में उन्हें कोई भी नहीं मिलता। घर में उनकी नज़र खाने के मेज पर पड़ती है, जहाँ बहुत गंदगी थी। वहाँ उन्हें बहुत सी गाड़ियों की चाबियाँ, चश्मे वगैरह नजर आते हैं। फ्रिज में उन्हें बहुत सारे इंसानी अज़ा मिलते हैं और जैसे ही एक कमरे में वही नुकीली तार पड़ी देखती है, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था। ये सब देखकर वो चारों यहाँ से भागने ही वाले होते हैं। तभी उनकी नज़र घर की तरफ आने वाली एक गाड़ी पर पड़ती है। ये देखकर वो लोग पीछे के दरवाजे से निकलने का सोचते हैं, मगर वो दरवाजा लॉक था। भागने का कोई रास्ता ना पाकर उन्हें घर में ही छुपना पड़ता है।
अब हम उन म्यूटेंट्स को देखते हैं। वो फ्रेंसिन की डेड बॉडी यहाँ लाते हैं और उसको काटने लगते हैं। वो सब उसे देखकर बहुत घबरा जाते हैं। जैसे ही मनसा देखकर चिल्लाने लगती है तो स्कॉट जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देता है। कुछ देर बाद वो म्यूटेंट्स डेड बॉडी खाकर गहरी नींद सो जाते हैं। मौका मिलते ही सब लोग वहां से निकलने लगते हैं। एक म्यूटेंट की नजर उन पर पड़ती है, वह सब लोग भाग जाते हैं। म्यूटेंट्स उन्हें ढूंढने के लिए उनके पीछे निकल पड़ते हैं। क्रिस इन म्यूटेंट्स की गाड़ी चुराने का मंसूबा बनाता है। वो चलाने लगता है ताकि म्यूटेंट्स का ध्यान अपनी तरफ कर ले। एक म्यूटेंट क्रिस पर गोली चलाता है और वह जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर बाकी तीनों लोग घबरा जाते हैं। स्कॉट जंगल में भागने लगता है। एक ट्रक आता देखकर वो उसकी तरफ जाता है कि आइन उसी वक्त एक तीर आकर उसके सीने में लगता है। बाकी लोग जान बचाकर भाग जाते हैं। थोड़ा दूर जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। ये लोग ट्रक वहां ही छोड़कर पैदल भागने लगते हैं। बहुत थक जाने की वजह से वो लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। उन्हें वहां पर एक वॉच टावर दिखाई देता है जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर वो लोग उदास हो जाते हैं। जेसी को यहां फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिसे वो क्रिस की मरम्मती करती है। दूसरी तरफ कैली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कैली रेडियो ऑन करके मदद मांगती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। क्रिस को नीचे से आवाज सुनाई देती है। नीचे देखने पर उसकी नजर नीचे से गुजर रहे तीन म्यूटेंट्स पर पड़ती है और वो तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उनको ऊपर आता देखकर क्रिस वहां पर पड़े सामान को एंट्री गेट पर रखने लगता है ताकि वो म्यूटेंट्स उन तक ना पहुंच सकें। कुछ देर बाद वो उन्हें वहां से जाते हुए देखते हैं और कैली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। वो म्यूटेंट्स रेडियो की वायर काटकर वॉच टावर को आग लगा देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कैली वहां पर पड़े एक बॉक्स की मदद से टावर की खिड़की तोड़ देती है और क्रिस की नजर नीचे दरख्तों पर पड़ती है। वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पर कूद जाते हैं। नीचे खड़े म्यूटेंट्स उन्हें देखकर दरख्तों पर चढ़ने लगते हैं। इनको आता देखकर वो तीनों एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगा देते हैं। एक म्यूटेंट कैडली के नजदीक पहुंच जाता है और मौका पाते ही अपनी खिलाड़ी से उसके चेहरे के दो टुकड़े कर देता है। क्रिस खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और उसे पुलिस की जीप दिखाई देती है। क्रिस मदद के लिए गाड़ी को रोकता है। वो पुलिस वाला उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है तो एक दूर उसकी आंखें आर पार हो जाता है। अब एक म्यूटेंट क्रिस को मारने के लिए आता है। क्रिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है। इसके बाद म्यूटेंट्स पुलिस वाले की डेड बॉडी जीप में रखकर जीप स्टार्ट कर देते हैं। क्रिस भी जीप के साथ लटक कर चला जाता है। दूसरी तरफ म्यूटेंट्स ने जेसी को बांध कर रखा होता है। क्रिस भी गाड़ी के साथ साथ यहाँ पहुंच जाता है। म्यूटेंट्स जेसी को मारने ही वाले होते हैं तब क्रिस गाड़ी समेत घर में घुसकर गाड़ी एक म्यूटेंट के ऊपर चढ़ा देता है और दूसरे म्यूटेंट पर अटैक करके उसे मार डालता है और फिर वो जेसी को खोलने लगता है। जबकि पीछे से म्यूटेंट क्रिस पर अटैक करता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी जेसी एक तीर उठाकर उसके सर में मारती है जिससे म्यूटेंट मर जाता है। अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। वहां उनकी नजर पुलिस की गाड़ी में पड़े फ्यूल बॉक्स पर पड़ती है जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका होता है और पूरे घर को आग लग जाती है। अब हम उस सड़क को देखते हैं जहां वो दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं। ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर स्टेशन मालिक डर कर दरवाजा बंद कर देता है। क्रिस गाड़ी से उतरता है और वहां पर लगे मैप को उतारकर वापसी के सफर पर रवाना हो जाता है। सो दोस्तों यहां पर मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।